हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी है हमारी ज़िंदगी में, दिखती नहीं है, उसकी कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इट्स इनटेंजिबल, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी है कि वो पूरे रूम में भर जाती है, पूरे रूम को, पूरे घर को, पूरी हमारी लाइफ को टेक ओवर कर लेती है। और हमारी लाइफ में कितनी रोशनी आ रही है या कितना अंधेरा, ये बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है कि हम उस चीज़ को, अगर चीज़ कह सकते हैं, कितनी जगह दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में या कितनी जगह नहीं दे रहे। वेल, जो मैं बात कर रही हूँ वो है ईगो। ये तीन लेटर का वर्ड ईजीओ, जिसे हम अहम भी बोल सकते हैं इन लूज ट्रांसलेशन, लेकिन मैं जो बात करने वाली हूँ ईगो पे, वो ये मिथ को डिस्पर्स करने के लिए, ये जो है एक झूठ को या एक लिमिटेड समझ को हटाने के लिए कि ईगो क्या है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मैं देखती हूँ उन्हें ये समझ ही नहीं है एक्चुअली, या बहुत लिमिटेड एक क्लीशे सी समझ है कि ईगो क्या है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ईगो का मतलब कोई बहुत एरोगेंट है या बहुत बस खुद में खोया रहता है या किसी और को कुछ समझता नहीं। और थैंक्स टू आर हिंदी फिल्म्स जिन्होंने ये वाला नोशन बहुत प्रोपोगेट किया है, क्योंकि हिंदी फिल्में तो हम जानते हैं उसमें तो कोई चीज़ कैरेक्टराइजेशन नाम की ठीक से चीज़ ही नहीं होती। ज़्यादातर या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है या गुड होता है या बैड होता है, या तो बहुत मार्टियर होता है या फिर टोटली ईविल होता है। तो उसमें शेड्स, जो ह्यूमन शेड्स, रियल शेड्स होते हैं, वो बिल्कुल एकता कपूर के सीरियल्स की तरह होते ही नहीं हैं। और इसी तरह से इसी शेड में हम ईगो को भी ज़्यादातर समझते हैं, एटलीस्ट जितना मैंने देखा है, और खासकर इंडिया में ऐसे ही समझते हैं कि इसमें तो बहुत ज़्यादा ईगो है, अरे इसमें तो ईगो है ही नहीं। पहली बात, ईगो सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं है कि आप क्लियरली बता दें कि बस इसमें ईगो है या इसमें नहीं है। ईगो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और वो बहुत तरीके से पाई जाती है। वो आपकी लाइफ के अंदर, आपके अंदर इतने इंसिडुअस है, इतने डीपली घुसी हुई है कि आप तो उसे आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, आप देख भी नहीं पाते कि क्या ईगो, आप समझते ही नहीं ईगो क्या होता है। और ईगो सब में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, ईगो के बिना कोई भी नहीं रह सकता। मतलब जब तक आप दुनिया में हैं तो ईगो तो आपको थोड़ी सी चाहिए ही। जब आप बिल्कुल ईगोलेस स्टेट में हो जाएंगे तब आप रमन्ना महर्षि बन जाएंगे, तब आप रामकृष्ण परमहंस बन जाएंगे, जो सिर्फ अपने बस जो बचे हुए कर्म हैं उनके थ्रू निकल रहे हैं और कुछ क्रिएट ही नहीं हो रहा। क्योंकि ईगो, जब ईगो नहीं है तो मतलब आप साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में भी नहीं है, आप निकल चुके हैं। वो लिटरल मतलब होता है टू बी इन अ कम्प्लीटली ईगोलेस स्टेट। जब तक वो स्टेट नहीं है, आपका दुनिया में रहना ही ईगो के थ्रू हो रहा है। तो हम समझते हैं कि ये ईगो क्या है। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि ईगो सिर्फ उतनी सी चीज़ नहीं है जो आपको हिंदी मूवीज़ के थ्रू दिखाई जाती है कि कोई बहुत एरोगेंट है या कोई आपको एक रिच लड़की दिखाई जाती है, हीरोइन रिच है और उसमें बहुत अकड़ है, बहुत अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस है बिकॉज ऑफ हर मनी या लुक्स, तो और वो सबसे ऐसे एरोगेंटली बिहेव करती है तो उसमें बहुत ईगो है। एक जो बहुत सहमी सी, अच्छी सी, स्वीट सी और अंडर प्रिविलेज सी, उसमें ईगो नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत एक ऑब्वियस ग्लेयरिंग तरह से ईगो को दर्शाया जाता है। ईगो हम सब में है, उसमें भी जो बोल रहा है मुझ में ईगो बिल्कुल नहीं है, वो भी ईगो ही बोल रही है। तो आप देखते हैं ईगो एक बहुत ही शातिर, बहुत क्लेवर, बहुत श्रूड, बहुत ही कनिंग जो है, इट्स कनिंग बीइंग, इट्स अ कनिंग एंटिटी, इट्स अ कनिंग एनर्जी जो हम सबके अंदर है। सब हमारे अंदर ईगो होना क्यों ज़रूरी है, हम ईगो के बिना नहीं रह सकते, उस पर भी मैं आऊँगी अभी। लेकिन सबसे पहले ईगो हर वो चीज़ है जो कि डार्कनेस से आती है।
हमारा बर्थ ही, हमारा जन्म ही इसलिए होता है, जैसे हम अपनी हिंदू फिलॉसफी में, स्पिरिचुअलिटी में समझते ही हैं, सबसे बड़ी बात जो बेसिस है कि हमारा बर्थ ही इसलिए होता है, साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, क्योंकि हमें क्लेंस करना है, हील करना है, रिलीज करना है. जैसे जैसे हमारे लेसन्स ख़त्म होते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं, हम जो डिविनिटी, जो डिवाइन है, जहाँ पे कोई दो नहीं है, डुअलिटी नहीं है, जहाँ पे देर इज़ ओनली वननेस, हम उससे आते हैं, अलग अलग बढ़ते हैं और हमारी लाइफ साइकिल्स चलते जाते हैं. लेकिन हमारा एम वही होता है कि हमें वापस उसी लाइट में मर्ज हो जाना है, एक बन जाना है, और उसके बाद कोई कॉजल, कोई रीज़न नहीं बचेगा हमारे को वापस लाने के लिए, क्योंकि हम मर्ज हो चुके हैं दैट ईगोलेस स्टेट ऑफ वननेस, जिसको डिविनिटी भी बोलते हैं, सोर्स भी बोलते हैं, यूनिवर्सल प्योर कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, जिसे ब्रह्मन भी बोलते हैं. तो जब तक हम उससे आते हैं और बर्थ्स लेते रहते हैं, ये फिजिकल बॉडी लेते रहते हैं, तब तक हमारा जो ईगो से है नाता बना ही रहता है, क्योंकि ईगो के कारण ही हम शरीर लेते हैं, हम बर्थ्स लेते हैं, हम बॉर्न होते हैं, हम लेसन सीखते हैं, हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, हम इस लाइफ के डायनेमिक्स जीते हैं, हम डिसीजंस देते हैं, चॉइसेस करते हैं, ये सब कुछ ईगो की वजह से ही है. तो ईगो बहुत सारे तरह से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है. ईगो के बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी चॉइस नहीं है. जब हम ईगोलेस स्टेट में हो जाएंगे तो हमें कोई बताने के लिए नहीं रहेगा कि हम ईगोलेस स्टेट में हैं. इट्स जस्ट द स्टेट ऑफ बीइंग, हम सिर्फ हैं, सिर्फ होंगे, हम उसके साथ मर्ज्ड होंगे. और ये लंबा सिलसिला है, खासकर उनके लिए जिन्होंने अभी काम शुरू ही नहीं किया अंदर जाने का. लेकिन टॉपिक आज ये नहीं है, टॉपिक ईगो का है. तो ईगो हर वो चीज़ है जो अंधियारे से आती है, जो डार्कनेस से आती है, या जो इम्परफेक्शन से आती है, या जो डुअलिटी से आती है, जिसमें वननेस नहीं है. क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस जो है वननेस है, एक है, उसमें कुछ अलग ही नहीं है, सब एक है, ऑल आर वन. जो भी वन के बाद होता है वो सब ईगो की स्टेट ही क्रिएट करता है, क्योंकि वो ईगो की स्टेट से ही आता है. तो हमारे कौन से इमोशंस हैं, मैं इसकी बात करूँगी, कौन से इमोशंस हैं जो ईगो दर्शाते हैं. तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं है या एरोगेंस नहीं है. और अगर आप गुस्सा नहीं होते ज़्यादा या एरोगेंट नहीं होते, नहीं, बहुत सारी चीज़ें, जो ईर्ष्या है, जो जेलसी है, वो भी एक ईगो बेस्ड इमोशन है. जो कम होने की हीन भावना है कि हम किसी से कम हैं, या हम पर्याप्त नहीं हैं, या हम पूरे नहीं हैं, या कोई और हमसे बेहतर है, या हम तो कोई चीज़, सर्टेन चीज़ कर ही नहीं सकते, या हम तो कभी उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते, वो भी ईगो ही बोल रही है. तो वो भी ईगो का ही होल्ड है. जो चीज़ हमें बोलती है कि हम सबसे बेहतर है, वो तो बड़ी कॉमन तरह से ईगो का होल्ड है ही, कि हम बेहतर हैं या हम सुपीरियर हैं, वो तो ईगो है ही. लेकिन जो चीज़ इसका उल्टा बोलती है हमें और हमें अपनी पावर देने पर मजबूर करती है, वो भी ईगो का ही होल्ड है. जो भी चीज़ हमारे अंदर एंगर क्रिएट करती है, जेलसी क्रिएट करती है, इम्परफेक्शन की फीलिंग या हीन भावना क्रिएट करती है, वो ईगो है. जो इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है, वो ईगो है. जो लैक की या स्केयरसिटी की, हमारे पास पूरा नहीं है और हमें और लेना है, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, या हमें रोक लगानी है, ख़त्म हो जाएगा, यूनिवर्स हमारे लिए प्रोवाइड नहीं करेगा, वो भी ईगो है. ये सारी चीज़ें ईगो से है. इसके अलावा कितने जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो अटैचमेंट्स हैं आपकी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से, क्लिंगीनेस की, आप अपने लिए बाउंड्रीज नहीं बना पाते, सही और गलत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते, ठीक से फ़र्क बुद्धि से, सोच से नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ में आपके इमोशंस हावी होते हैं, जो आपको क्लाउड करते हैं सही और गलत देखने समझने से, फेयर डिसीजन लेने से, न्यूट्रल डिसीजन लेने से, टू स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट करने से, उससे रोकते हैं या उससे डराते हैं, वो सब ईगो से है. और सबसे बड़ा जो ईगो बेस्ड इमोशन है वो है फियर, यानी कि डर, जो हमने बहुत देखा है पिछले एक डेढ़ साल से. ये इमोशन तो हमने भरपूर देखा है और देखा है कि कैसे हावी हो जाता है सबके ऊपर. तो ये सबसे बड़ा डर, तो इतना बड़ा, इतना सबसे पहला ईगो का साइन है कि ईगो इज़ वर्किंग ऑन यू एंड होल्डिंग इट्स पावर ओवर यू. इतना बड़ा साइन है कि इस पर तो मैं वीडियो एक पूरा अलग बनाऊंगी, सिर्फ फियर पे या डर पे. लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ईगो हमारे अंदर कैसे कैसे तरीक़ों से काम करती है, कैसे हम पे हावी होती है, ये दोस्तों को अलग करती है, ये मनमुटाव करवाती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग करवाती है, ये रिस्ट्रेन भी करवाती है कि किसी का आपस में पैचअप ना हो, या कुछ गलत फहमी हो जाए, या किसी को
मन करे कि मुझे आगे जाके रिलेशनशिप ठीक करनी है, हील करनी है, तो आपको अनहील्ड स्टेट में ही रखे या आपको एडिक्टिव पैटर्न्स में रखे. ऐसे एडिक्टिव पैटर्न्स सोच के या बिलीफ के या थॉट के या हैबिट के जो आपके लिए सही नहीं है, जो लिमिट करते हैं आपको, आपकी ही खुद की लाइफ को सैबोटाज करते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स को सैबोटाज करते हैं, कि जो आप फुलफिलमेंट पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जिसके आप वर्दी हैं रिलेशनशिप्स में, आप वो आपको नहीं मिलती, आपको गलत रिलेशनशिप्स मिलती हैं, या जो ठीक भी लगती हैं उसके उनके दायरे बहुत कम होते हैं, बहुत सीमित होते हैं, बहुत लिमिटेड होती हैं, या फिर आप जितना अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना चाहते हैं या जो मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते, तो ये सब ईगो का होल्ड है. अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी कि डिफरेंस क्या है पहचानने का, कि हम ईगो से काम ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ईगो तो बहुत ज़रूरी है. मैंने बोला कुछ हद तक तो हम बिना ईगो के तो रिलेशनशिप्स में भी एक अहम होना, थोड़ा सा अपनी सेंस ऑफ, ये बहुत अलग चीज़ें हैं, बहुत थिन लाइन है, एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होना, जो भी लोग समझते नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट को. अगेन वो लोग जो बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है वो अक्सर लोग ईगो में बोल रहे होते हैं. बहुत थिन लाइन है लव के बीच में और जो हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट. जो आप एक्शन अगर कर रहे हैं और आपके अंदर हील्ड स्टेट नहीं है, गुस्से की स्टेट है और आपके अंदर कुछ रिस्ट्रेंड वाली स्टेट है, तो वो ईगो से है. अगर आपके अंदर पीस है तो आप चाहे कोई ऐसी चीज़ के लिए भी स्टैंड ले रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं ईगो से, लेकिन आपकी कॉन्शियंस क्लियर है, आप जानते हैं सही, आपके अंदर पीस आती है उस एक्शन से, लव आता है आपको, ज़्यादा रोशनमय आपको हार्मोनियस फील होता है, तो वो आप लाइट से स्टेप कर रहे हैं. तो दो ही चीज़ें हमारी लाइफ में रूल कर सकती हैं, या तो डार्कनेस से इनपुट आता है या फिर लाइट से आता है. तो जो भी ईगो बेस्ड डिसीजंस होते हैं, यानी कि वो डार्कनेस से आ रहे हैं, तो ये तो गिवन है कि हम वी नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ईगो, कुछ ईगो अहम हमें चाहिए जब तक हम ह्यूमन बॉडी में हैं. लेकिन कितना पर्याप्त है, कितना है जो हमारी लाइफ में बस उतना ही ज़रूरी है, और उसके बाद हमें लाइफ से कनेक्ट, लाइट से कनेक्ट होना है, रोशनमय चीज़ों से कनेक्ट होना है, और कितना है जो अब हमारे लिए गलत है, नेगेटिव है, जो हमें क्लियर करना है. तो ये दो चीज़ें हैं जो डिटर्मिन करती है आपकी लाइफ में कितनी पीस आएगी, कितनी शांति आएगी, कितना सुकून, कितना स्वस्थ, कितनी सुंदरता, कितना संयम, सब कुछ ऑल द नाइस एस वर्ड्स सर से. तो ये सारे कितना आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये इस पे डिपेंड करता है ईगो को आपने कितना रोल दिया है, कितना बड़ा दरवाज़ा खोला हुआ है ईगो के आने के लिए है, या कितना बड़ा आपने समझ के पर्दा लगाया है. और ये आसान काम नहीं होता, ये मुश्किल काम होता है. इट्स अ वर्क ऑफ अ लाइफ टाइम, इट्स अ इनर वर्क, इट्स अ हीलिंग वर्क. और ये आप दूसरे पे नहीं करते हैं, दूसरा खुद के लिए करते हैं, आप ये खुद पे करते हैं, सब अपने अपने लिए करते हैं. आपको कोई जो आपसे बेहतर समझता है, जानता है काम किया, वो गाइड कर सकता है, लेकिन काम आप खुद ही अंदर करते हैं. तो क्या सबसे बड़ा तरीका है जानने का कि क्या आप ईगो से काम कर रहे हैं या आप लाइट से काम कर रहे हैं, वेदर यू कनेक्टेड टू द रेलम ऑफ पीस एंड लाइट या यू वर्किंग प्राइमरली थ्रू ईगो. तो अब आप सक्सेसफुल ईगो से भी हो सकते हैं. मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप बहुत रूथलेस हैं, कॉम्पेटिटिव हैं और आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में. तो और जो आप काम करते हैं, आप बिल्कुल, आपको पता है मुझे ये मेरी मंजिल है, मुझे पहुँचना है, तो जब ईगो से ये जना रूल्ड होगा तो वो बेसिकली किसी और चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा जितनी अपनी मंजिल को. वो कोई भी हुक और बैक रूप, गलत या सही का इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सामने दिखाने के लिए कर दे, लेकिन पीछे से अगर मौका मिलेगा तो पीछे से वो एज लॉन्ग एज कोई और नहीं जानता, नहीं देख रहा, वो कोई भी मीन्स अपना लेगा एज लॉन्ग एज वो उसको उसका फ़ायदा कराते हैं. जब सक्सेस मिलेगी ऐसे जने को तो वो बहुत ऑफन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन्स ऐसे लाएगी कि बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होगा, बहुत ज़्यादा काम होगा, वो खुद भी बहुत ज़्यादा काम लेगा और सारा टाइम उसको ये दिखाने में अच्छा भी लगेगा डीप लेवल पे सबकॉन्शियस कि मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, आई एम सो बिजी, आई हैव सो मच वर्क, आई एम सो इम्पॉर्टेंट, मैं ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, मेरा ऐसा रहता है वैसा, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे सडन क्विक चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी आएगी घर में, आएगी किसी ना किसी तरह नेगेटिविटी, या काम पे आएगी, या चैलेंजेस आएंगे, या लोग बैकस्टेप करने वाले मिलेंगे, या डिसहारमोनियस चीज़ें होंगी, या आपकी हेल्थ पे ज़्यादा असर पड़ेगा उस काम की वजह से. तो ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि ईगो का रास्ता है.
ऐसे भी है जो नॉन ईगो है, जो लाइट है, वो हमें सक्सेस डिनाई नहीं करती है, वो भी उतना ही चाहती है कि हम सक्सेसफुल हों, हम आगे पहुँचे, हमारे ड्रीम्स फुलफिल हो, हमारी एस्पिरेशंस फुलफिल हो, लेकिन वो ये चाहती है कि हम वो जो करें लाइट फील्ड रास्ते से करें, पीस के रास्ते से. और उस रास्ते पे चलने से द पाथ माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट, द चैलेंजेस माइट बी अ लिटिल हायर, बट वी आर ऑलवेज बीन गाइडेड कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है. चाहे हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, किसी भी टाइम पे जब हमारे पास दो डिसीजंस लेने के लिए आते हैं जो बार बार आएंगे, दो रास्ते आते हैं, दो फोक्स इन द रोड आते हैं, तो हमें कौन सा चूज़ करना है और क्यों चूज़ करना है, क्योंकि वो सही है, क्योंकि वो फेयर है, चाहे उसमें हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिट नहीं हो या चाहे वो लॉन्गर लगे, लेकिन हमें पता है हम जो दूसरा स्टेप लेंगे वो हमारी कॉन्शियंस से नहीं जाएगा, या वो हमें पीस नहीं देगा, या वो अभी तो बहुत कुछ देगा लेकिन हमें पता है बाद में हमारे लिए डिसहार्मनी क्रिएट करेगा, या वो झूठ पे बेस्ड है, या वो किसी और गलत चीज़ पे बेस्ड है, या फिर वो हम ऐसा कुछ काम करें जो हमें पता है हमें आता नहीं है, लेकिन हम बस क्योंकि आगे चढ़ना चाहते हैं तो हम दाएं बाएं कैसे भी पर्दा डाल के फ्रॉड करके हम दिखाना, थोड़े टाइम दिख जाए कि हमें ये काम आता है, या कुछ भी ऐसा जो डीप रूटेड पीस नहीं क्रिएट कर रहा, जो शॉर्टकट है किसी भी तरह से. तो ये जो रास्ता है ये आपको इन चीज़ों से दूर करता है, आपको सही तरह से जो सही है वो करते हुए सही तक पहुंचाता है. और ऐसी सक्सेस जो मिलती है, इससे जो भी आता है, चाहे वो शोहरत हो या पैसा हो या नाम हो या फिर एक अच्छी जॉब हो, जो भी अच्छा है, वो आपको बहुत ज़्यादा अलग तरह से या बहुत लंबे समय तक या बहुत डिफरेंट तरह से सुकून देती है, क्योंकि वो ग्राउंडेड है, सुकून देती है, घर में भी ज़्यादा उसकी बरकत होती है, ज़्यादा चैन मिलता है, तो आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स उससे फले फूले होते हैं. तो बहुत डिफरेंस फील होता है, आपके अंदर कितना चैन है, आप कैसी नींद सोते हैं. अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, दो जनों के पास उतना ही पैसा है, लेकिन एक जो टेम्पर में रहता है या वर्कहोलिक है, फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता, या फिर बहुत चैलेंजेस हैं या नए नए चैलेंजेस आ जाते हैं, एंगर है या बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्सिक्वेंस, सेल्फ प्राइड होगी. दूसरा है वो उसको, उसके पास वो पैसा फैमिली के साथ साथ उसको टाइम भी देता है, टाइम स्पेंड करने के लिए वो काम अपना ठीक से कर पाता है, लेकिन फैमिली के लिए भी उतना टाइम है, वो अपना हेल्थ पे भी ध्यान दे पाता है, या उसके आसपास जो लोग उसको मिलते हैं ज़्यादातर, मोर ऑफन देन नॉट, वो अच्छे लोग मिलते हैं, काम करने का एनवायरमेंट ज़्यादा अच्छा मिलता है, नेगेटिव एनर्जीज कम मिलती हैं. तो ये सारी चीज़ें लाइट से आती हैं. लाइट के साथ आप चलते हैं तो लाइट आपका ध्यान रखती है, ईगो के साथ आप चलते हैं तो हो सकता है आपको जल्दी से बहुत सारी चीज़ें क्विकली मिल जाएँ शॉर्टकट से, या जल्दी जल्दी इतना स्ट्रेट पाथ हो आपका सक्सेस के लिए, लेकिन आपके आसपास एनर्जी सारी पॉजिटिव नहीं होंगी, आपकी लाइफ में हर चीज़ जो सुकून से होती है वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ईगो, इट इज़ वेल नोन, ईगो जो देती है शायद बहुत जल्दी दे दे, लेकिन वो लेती भी है. जैसे हम बोलते हैं द डेविल कैन गिव यू अ लॉट, इट्स वेरी टेम्पटिंग, बट इट ऑल्सो होल्ड्स द स्ट्रिंग्स टू योर सोल. तो आपकी सोल से वो कुछ डिमांड करती है, वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है. तो वो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर नेगेटिविटी से आती है, नेगेटिव इमोशंस, पेन्स या हर्ट्स, या किसी को हम अनफॉरगिवनेस में रखते हैं, फॉरगिव करना ही नहीं, या गुस्से में रखते हैं, या खुद के लिए किसी चीज़ पे गुस्सा रखते हैं, या हम गिल्टी फील करते रहते हैं खुद के ऊपर किसी चीज़ के लिए, सारा टाइम हील नहीं करते, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज, ये सब कुछ ईगो ही दर्शाती है. ये ईगो है, ये ईगो के रूप हैं, ये ईगो के अलग अलग बोलने के, चलने के, काम करने के तरीके हैं हमारी लाइफ में. तो सबसे ईजी तरीका है समझने का कितना ईगो से काम करें, कितना आपको कुछ भी जो करते हैं लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप्स में बस सब कुछ खुश करते रहें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी ईगो से ही है. क्योंकि आपको पता है अगर आप खुश करते रहेंगे तो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है सही और गलत बोलने की, क्योंकि आपको डर है कुछ खो देंगे, अगेन वो ईगो से चीज़ आ रही है. तो वो सही नहीं है, जो भी आप चीज़ कर रहे हैं जिसमें आप सही अंदर से आपकी कॉन्शियंस क्लियर नहीं है, या आपको पूरी खुशी नहीं मिल रही है, बाहर से तो आप अच्छा दिखा रहे हैं, अंदर से खुशी नहीं मिल रही है, आप खुद में सच में नहीं रह पाते, आप खुद से सच नहीं बोल पाते कि दिस इज़ राइट, दिस फील्स राइट टू मी, ये मुझे सही लगता है, तो वो ईगो है. तो ये सबसे बड़ा पैरामीटर है, जितनी लाइफ में आप चीज़ें कर रहे हैं, डिसीशंस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी आपके शौक हैं, जो भी आपकी घर की लाइफ है, बाहर की लाइफ है, जो आपका डेली सोने जाते हैं रात को, आपके अंदर कितनी शांति है, कितना सुकून है. पूरा 100% तो किसी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन रिलेटिव स्केल में आप कितना कॉन्फ्लिक्टेड, कितना परटर्ब्ड, कितना परेशान, कितना चैलेंज्ड फील करते हैं, आपको लगता है दुनिया में कोई साथ ही नहीं है, या आपको कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं है, या फियर आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा है,
एज कम्पेयर टू कितना आप ज़्यादातर पीसफुल या ज़्यादातर हारमोनियस फील करते हैं, ज़्यादातर आपको पता है कि सही गलत में आप पहचान कर पाएंगे, कितना विजडम फील होती है आपको, कितना आपको लगता है कि लाइफ में कुछ परेशानी होती है तो आपको हेल्प आ जाती है, सपोर्ट कहीं ना कहीं मैजिकल तरीके से आ जाए, ये सब दर्शाता है कि आप लाइट से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो फ़र्क करना सीखें, बॉलीवुड मूवीज़ की बच्चों वाली डेफिनेशन से बाहर आएँ और समझें कि ईगो हमारे अंदर कितने तरीके से काम कर सकती है और कर रही है। सारी दुनिया ईगो चला रही है लेकिन एट द सेम टाइम हम इसे पूरी तरह छोड़ नहीं सकते, लेकिन कितनी उतनी ईगो हमारे लिए ज़रूरी है जितना हमारे को इस फिज़िकल बॉडी में, इस वर्ल्ड में रहने के लिए। और इसके बाद कहाँ से हमें बहुत ज़रूरी है, हमें ईगो को पहचानना है, हमारे अंदर कितना होल्ड है पहचानना है और हमें अपनी लाइफ को उससे दूर करना है, और ये हमें अपने लिए ही करना है, किसी और के लिए नहीं। तो वेल, आई होप इस टॉपिक पे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट टाइम जब आप ये वर्ड सुनेंगे ईगो, तो आपके अंदर बहुत ही एक डिफरेंट वर्जन, एक डिफरेंट क्लैरिटी आएगी, एक डिफरेंट समझ आएगी। सो विद दिस इट्स टाइम टू क्लोज दिस वीडियो। मैं एक और टॉपिक के साथ ज़रूर जल्दी आऊँगी। टिल देन टेक केयर, और देखते रहिए और अपने अंदर काम करते रहिए।